हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ संदीप कुमार सोनी। एंड आज बात करेंगे सीएनबीसी द्वारा चलाए गए एक न्यूज़ के बारे में। स्पेशली अभी एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा था ओटीसी मेडिसिंस के बारे में, जिसको लेकर फार्मा मार्केट में स्पेशली मेडिकल स्टोर्स जो हैं, फार्मेसी जो हैं, वहाँ पे काफ़ी हाइप क्रिएट हुआ, काफ़ी शोर शराबा हुआ। उनको ये फील होने लगा कि अब हमारी सेल डाउन हो जाएगी, क्योंकि उस न्यूज़ में कहा गया था कि गवर्नमेंट ओटीसी मेडिसिन को किराने की दुकान, शॉपिंग मॉल सभी जगह बेचने की परमिशन दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंसियरली थिंक करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो वहाँ परमिशन मिल भी जाता है तो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी को किसी प्रकार का लॉस होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन है वो तो वहाँ बिकी रही है ना, अब वो बिकेंगी। इसके अलावा अगर बात करें ओटीसी मेडिसिन की, ओटीसी मेडिसिन बहुत टाइम पहले से ही अगर हम देखें तो किराने की दुकान पे या शॉपिंग मॉल में बिकते हैं। अगर विक्स की बात करें, झंडू बाम की बात करें, तो या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, पेस्ट की बात करें, तो ऑलरेडी ओटीसी मेडिसिन की वहाँ पे बिक रहे हैं। बस होगा क्या कि ओटीसी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी, जिससे पेशेंट को एक सुविधा मिलेगा, और पेशेंट को अगर सुविधा मिलेगा तो ओटीसी का मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। अगर हम अभी रिपोर्ट की बात करें तो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 6,292 मिलियन का मार्केट है, ये 2022 तक 12,922 का होने वाला है। मींस मार्केट 14.6% से ग्रो करके आगे इतने बड़े साइज में इंक्रीज होगा। तो कंपनीज को भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। सेम टाइम गवर्नमेंट को लग रहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनरल जो मेडिसिन हैं, जो ओटीसी मेडिसिन हैं, उसको जो है कैटेगरी बनाई जाए और सभी पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराया जाए। अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, गवर्नमेंट को ऐसा सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसमें तीन चार बहुत ही मेन रीज़न है। एक तो ओटीसी मेडिसिन की हम बात करें तो उसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेने के लिए, तो इजीली कोई भी आम आदमी या आम पेशेंट वो इजीली जाके किसी भी जगह से ले सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा बड़ा फायदा यह कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि ओटीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पेशेंट को पे कम करना पड़ता है। अगर वही सेम साल का मेडिसिन अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पे लेता है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। थर्ड क्या है कि पेशेंट अवेयरनेस, अभी पेशेंट क्या है, पेशेंट के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों अवेयरनेस हो गया है, एक ऐड की वजह से, टीवी है, प्रिंट मीडिया है और न्यूज़पेपर है, इसके अलावा जो है मोबाइल, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी मीडिया है जहां से पेशेंट का अवेयरनेस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आज अगर सिंपल किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो पेशेंट किसी डॉक्टर के पास कई बार नहीं जाता है, सिंपली वो जनरल स्टोर पर या फिर मेडिकल स्टोर पर जाता है और अपने से मेडिसिन ले लेता है, क्योंकि उन मेडिसिन के बारे में वो अवेयर हो गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ रहा है कि क्यों ना एक ऐसी मेडिसिन की लिस्ट प्रिपेयर की जाए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक डिफिनीशन प्रिपेयर कर रही है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आई है, मैं बात कर रहा हूँ एक सीएनबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि सीएनबीसी ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिया है, अभी न्यूज़ फ्लैश हुई है टीवी के, क्योंकि ओटीसी के लिए गवर्नमेंट एक नई डिफिनीशन बना रही है। अभी मैं आपको बता दूं, अपने कंट्री के अंदर मींस इंडिया के अंदर अभी ओटीसी के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है कि कौन सी मेडिसिन ओटीसी में रहेगी, कौन सी शेड्यूल में रहेगी। शेड्यूल मेडिसिन वो होती हैं जो ऑन प्रिस्क्रिप्शन बिकती हैं, ओटीसी मेडिसिन वो होती हैं जो ओवर द काउंटर बिकती हैं, मींस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिकती हैं फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि कोई क्यों ना ऐसा हम लिस्ट प्रिपेयर करें कि जिससे जो है ओटीसी का सेगमेंट बिल्कुल अलग हो जाए और वो इजीली पेशेंट के लिए अवेलेबल हो जाए। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ दुष्परिणाम भी होंगे इसके, जैसे कि ड्रग एब्यूज़। अगर हम बात करें कोरेक्स सिरप की, कोरेक्स सिरप एज ए कफ सिरप होता है, बट अगर हम उसके यूजेज की बात करें तो उसको लोग एज ए कफ सिरप कम, नशे में ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह के ड्रग एब्यूज़ ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट को कड़े नियम बनाने चाहिए। अब बात करते हैं ओटीसी मार्केट की। ओटीसी मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बहुत तेज़ी के साथ शिफ्ट होने वाला है, तो फार्मा कंपनीज भी जो लीडिंग जियांट फार्मा कंपनीज हैं ओटीसी मार्केट में, जो प्लेयर्स हैं ओटीसी मार्केट में, बात करें जैसे सन फार्मा की, सिप्ला की, डाबर की, जीएसके की, तो ये कंपनीज़ क्या है, इनके ओटीसी रेंज बहुत ज़्यादा है और ये कंपनी ओटीसी मार्केट को देखते हुए बहुत सारे ओटीसी प्रोडक्ट और भी मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो इन कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन का बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, क्योंकि जो मेडिसिन अवेलेबल होंगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगी।
अगर हम बात करें अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो वहाँ ऑलरेडी ऐसा है, अगर आपको किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है और OTC में आती है तो वो शॉपिंग मॉल में आपको मिल जाएगा, आपको किराने की दुकान परचून की दुकान पे मिल जाएगा वो। बट अभी अपने यहाँ भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर नहीं है। अगर आप पुराने दिनों को याद करें, बचपन के याद करें, तो जो भी टैबलेट आती थी, एनासिन आता था, ब्रूफेन आता था, जो कि आपको इजिली किराने की दुकान पे मिलता था। मिलता था क्या? अभी भी मिलता है वो चीज़। बस गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहती है जिसके अंदर डिसाइड हो सके कौन सी OTC मेडिसिन है और कौन सी शेड्यूल मेडिसिन हैं। जो केमिस्ट हैं, जो फार्मेसी वाले हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेड्यूल मेडिसिन वो जैसे पहले अभी तक बेच रहे हैं, आगे भी उसको बेचते रहेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहती है, ना ऐसा कोई स्टेटमेंट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? OTC मेडिसिन को, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हैं, उनको किराने की दुकान, शॉपिंग मॉल में बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, ये मुझे आप कमेंट करके भी बताइए। और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।